हाय गाइस, दिस इज प्रिंस मित्र। आज हमारे पास है सिर्फ 10 रुपये, और 10 रुपये के बजट में हमें देखना है कि पुणे में क्या खाने को मिलेगा। इतनी बड़ी सिटी में आपको लगता है कुछ खाने को मिलेगा 10 रुपये में? छोटा सा बजट लेके मैं तो निकल गया अपने सफर पर ये ढूंढने कि इस बजट में मैं क्या खा सकता हूँ। बहुत देर घूमा, फाइनली मेरी तलाश आके खत्म हो नाथ ब्रह्मा इडली। यस, यही एक स्पॉट है जहाँ पे आपको 10 रुपये में इडली, चटनी और सांभर, ये तीनों में। वेट वेट वेट, अगर आप सोच रहे हो कि 10 रुपये में आपको ये वाली प्लेट मिलने वाली है, तो आई एम सो सॉरी, आपको ये नहीं बल्कि मिलेगी ये वाली। अब मुझे इनका टेस्ट अच्छा लगा तो मैंने दूसरी वाली प्लेट ले ली, जिसका कॉस्ट मुझे 30 रुपीज़ होता है। सीरियसली, इनका टेस्ट कॉस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इडली सांभर खाना हो तो आप नाथ ब्रह्मा इडली पर विजिट कर सकते हो। इडली खाने के बाद जो दूसरी चीज़ मैंने ट्राई की थी वो था समोसा। यस, एट द प्राइस ऑफ 10 रुपीज़ मुझे सिटी समोसा पर एकदम गर्मा गर्म कुरकुरा समोसा मिल गया। अगर आपको भी समोसा खाना हो तो आप जा सकते हो सिटी समोसा पे। स्टार्टिंग प्राइस इनकी 10 रुपये है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।